हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम होम रेमेडी बनाने वाले हैं वो है जो हमारे लिप्स के आसपास पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जो हमारे होठों के आसपास जो ब्लैक निशान जो दिखते हैं वो बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो आज हम उनके लिए होम रेमेडी बनाने वाले हैं, एक DIY। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा लेमन। तो हम लेमन, ग्लिसरीन और गुलाब जल, हमें ये तीन चीज़ें चाहिए होंगी। और सबसे पहली बात, ये जो हमारा DIY है हम इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर समर है तो आप फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, और अगर विंटर है तो आप इसे नॉर्मल भी रख सकते हो बाहर। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, ये सिर्फ 15 दिन तक के लिए इसकी डेट है, यानी कि 15 दिन चलेगा, 15 दिन से ज़्यादा ये नहीं चलेगा। तो प्लीज़ इसे कम से कम ही बनाएं, सिर्फ 15 दिनों के लिए। तो ये सबसे पहले मैं एक लेमन जूस, 1 टीस्पून लेमन जूस ले लेंगे हम। हमें इनकी इक्वल क्वांटिटी रखनी है, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून हम ग्लिसरीन ले लेंगे, और 1 टीस्पून हमको गुलाब जल ले लेना है। याद रखना है सिर्फ इक्वल क्वांटिटी ही होनी चाहिए। तो ये है हमारा गुलाब जल। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके, ये बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने, हमें इन तीनों चीज़ों को 15 दिन तक रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। और रात के टाइम आपको ये जो रेमेडी है रात के टाइम ट्राई करनी है। आपको 3 डेज में पता चल जाएगा कि आपको कुछ अलग सा महसूस होने लग जाएगा, आपके लिप्स के आसपास थोड़ी फ्राइनेस यानी कि अच्छा ग्लो आने लग जाएगा। वो ड्राइनेस जो है, ये पिगमेंटेशन, ब्लैक जो भी हैं आपके लिप्स के आसपास से, वो सब हट जाएंगे। और अब हम इसे कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो ये मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही ये तीनों चीज़ें ली हैं, और मैंने इतना बनाया, ये मेरा 15 दिन चल जाएगा, शायद ये कम ही रहे, ये 1 हफ्ते चलेगा। और हम इसको स्टोर करके फ्रिज में रख लेंगे। वैसे विंटर चल रही है तो अभी मैं इसको बाहर ही रखूँगी, फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। रात के टाइम आपको ये यूज़ करना है, याद रखना है, ये आपके स्किन रूटीन में शामिल होना चाहिए रात के टाइम। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एक चीज़ और, अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो आप इसके अंदर ग्लिसरीन की जगह विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो, उससे कुछ नहीं होगा, 1 विटामिन ई कैप्सूल। तो 1 टीस्पून गुलाब जल, 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 विटामिन ई कैप्सूल। और अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो ग्लिसरीन आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने की है। विंटर का मौसम चल रहा है तो इसलिए मैंने ग्लिसरीन नहीं ऐड किया, वैसे मैं भी ऑयली स्किन है मेरी भी, पर लेकिन मैंने इसको ऑयली स्किन वाली हूँ, फिर भी मैंने इसको विंटर में ग्लिसरीन ही यूज़ किया। आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं, लेकिन अगर विंटर है तो आप कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।